ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, गोविद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास को लेकर के हमने जो एक कथा श्रृंखला प्रारंभ की है, आज उस कथा की माला का 10वां अध्याय है। सो इसे मनापूर्वक सुनिए। कथा सुनने का बहुत बड़ा फल मिलता है। चाहे आप बहुत बड़े जप अनुष्ठान ना कर पाएं, दान धर्म ना कर पाएं, तो भी कोई बात नहीं। इस कलयुग में अगर आप कथा सुन के अधिक मास का, पुरुषोत्तम मास का सम्मान कर पाए, तो ये भी एक बहुत बड़े अनुष्ठान का ही फल आपको प्रदान करेगा। तो इसे मनापूर्वक सुना कीजिए। 10वां अध्याय है जो ये माला का, वो आज जो है ये माला का 10वां मणि है। तो हम इसे प्रारंभ करते हैं। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महान क्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा, वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने भी जो वचन है वो नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेघावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। हे सुभगे, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या जैसे दोषों से भी मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के समान भी नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते। गंगा के 12,000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल हे सुंदरी किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके हे बाले मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मानकर सेवन करता हूँ। हे सुभगे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित होकर कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक एवं वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या इससे फलीभूत नहीं है? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर आप इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब मासों में निंदित मल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें ना होने से इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूँ कि सब दुखहारी निसंदेह श्री हरि विष्णु हैं। ब्राह्मण पुत्री के यह वचन सुनकर दुर्वासा की आँख क्रोध से लाल हो गई, किंतु मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे श्राप नहीं दिया, अपितु दया आ गई। उसे अपना हित तथा अनहित जानने के योग्य ही नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते। तब मूर्ख बुद्धि के पुरुष और स्त्रियां कहाँ जान सकते हैं? यह बाला पितृहीनी कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो, और होने वाले शुभ अशुभ को भला कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण बोले, इतना कहकर दुर्वासा ऋषि जो है वो वहाँ से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन सी हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चित किया, और यह निश्चय करके मेघावी की पुत्री ने उग्र तपस्या
करने का सोचा, ऐसा निर्णय लिया। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति एवं सावित्रीपति ब्रह्मा का पूजन त्याग केवल पार्वतीपति शंकर की आराधना मन में निश्चय करके करने लगी। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्मने श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नाम दशमोध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यह दसवां अध्याय अभी संपूर्ण हुआ है। इसमें स्नान का और जो है विशेषता किसी नदी या सरोवर के तट पर स्नान का महत्व बताया गया है। तो यदि ऐसा नहीं है पॉसिबल तो आप जो है अपना जो नहाने का स्नान का पानी रहता है उसमें अपने घर में जो गंगा जल रहता है उसका एक ढक्कन यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो है विष्णु भगवान का कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता हो, बोलने में सरल हो, ऐसा मंत्र बोलकर उस पानी को, गंगा जल को, उस आपके नहाने वाला जो पानी है उसमें आप डाल लेंगे तो आपको नदियों की यानी कि पवित्र नदियों के या सरोवर के तट पर स्नान का फल ही प्राप्त होगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये आसान विधि है। भगवान विष्णु अपने सहस्त्र हाथों से आपका कल्याण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वें अध्याय के साथ हम शीघ्र ही भेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।